आगे बढ़ेंगे। ऑल पाकिस्तान वाबदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन सिंध की जानिब से 2 फरवरी को होगा। इस हवाले से टिंडोला यार में जलसे का इनेकाद किया गया। मुकररीन का क्या कहना था, जान लेते हैं वहीद फराज कुरैशी की इस रिपोर्ट में। ऑल पाकिस्तान वाबदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन की जानिब से 2 फरवरी को होने वाले रेफरेंडम के हवाले से वाबदा कॉलोनी में जलसा मुनक्किद किया गया। मुनक्किदा जलसे से खिताब करते हुए मरकजी रहनुमा इकबाल कायम खानी, वाइस चेयरमैन मलक सुल्तान, ज्वाइंट सेक्रेटरी आजम खान, मुनाफ अहमद निजामानी, डिविजनल चेयरमैन खालिद कायम खानी, सईद अहमद खानजादा और दीगर ने कहा कि मुखालफिन वाबदा के मुलाजमीन को तकसीम करना चाहते हैं। उनकी साजिशों को 2 फरवरी को मजदूर अपने घरों से निकलकर वोट की सूरत में नाकाम बनाएंगे। पूरे पाकिस्तान के अंदर वाबदा और वाबदा की तमाम प्राइवेट कंपनी है उसके अंदर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहकाम के तहत और पेशावर हाईकोर्ट बलूचिस्तान हाईकोर्ट के अहकाम के तहत पूरे पाकिस्तान के अंदर 2 फरवरी का पूरे एक यूनियन के लिए सीबी यूनियन के लिए इंतखाबात का आर्डर। मुनक्किदा जलसे में आने वाले मेहमान खुसूसी व दीगर मेहमानान पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई, जबकि मेहमान खास को सिंध का रवायती तोहफा अजरक भी पेश किया गया। कैमरामैन टीम के साथ वहीद फराज कुरैशी, रोज न्यूज, टंडो अलैया।